नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन है ये लोग? सर, ये सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ के बच्चे और उनकी पत्नी। क्या चाहते हैं? क्यों खड़े हैं यहाँ पे? मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आई हूँ। जब तक मेरे पति के एक्सीडेंट का मुआवजा नहीं मिल जाता। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? मुआवजा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका एक्सीडेंट ड्यूटी पर होता है, और रामनाथ उस रात ड्यूटी पर भी नहीं था। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसकी नीयत, उसका इरादा क्या था। हो सकता है किसी चोरी के इरादे से भी आया हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस रात वो मिल में किसी काम के लिए ही रुके थे। गाड़ी चलाओ। सुनिए, मैं मेरी बात तो सुनिए, उनके बगैर हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। सुनिए, एक मिनट, गाड़ी रोको। जवान और खूबसूरत औरत कभी बेसहारा नहीं हो सकती। तुम्हें तो बहुत सहारे मिल जाएंगे। शायद हम भी तुम्हें सहारा दे सकते हैं। अब ये घर हमारा नहीं है बेटे, हम यहाँ नहीं रह सकते बेटे। चल मेरे बेटे, चल मुन्ना, मुन्ना चल, मुन्ना मुन्ना चल मेरे बच्चे, चल। ये इस बच्चे का पहला जुर्म नहीं है, ना तो आपके पास कोई घर है और ना ही कोई काम। ये बच्चा अपनी और आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए इसी तरह चोरियां करता रहेगा और एक दिन पेशेवर मुजरिम बन जाएगा। इसलिए अदालत यही बेहतर समझती है कि इस बच्चे को बच्चों के सुधार केंद्र में भेज दिया जाए। नहीं साहब, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मेरे बच्चे को मुझे अलग मत कीजिए। मैं हार जाती हूं, मैं हार जाती हूं, मुझे एक मौका और दीजिए। आप इसे ले जा सकते हैं। चौबीस नंबर माचिस है क्या? अबे सुनता नहीं है, क्या पूछ रहा हूं? माचिस है क्या? माचिस होती तो इस दुनिया को आग लगा देता। वाह, क्या खुशबू है। ओहो, हलवा बन रहा है, क्या बात है आज। कोई बात होती है तभी बनता है, इससे पहले और कभी हलवा नहीं बना? बना था, बिल्कुल बना था। जिस दिन विजय आया था। ओह, मैं तो भूल ही गया, विजय आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है इसलिए बन रहा है हलवा आज इतने दिनों के बाद। बकवास मत कर, तुझे तो ऐसे भी हलवा पसंद नहीं है। जा, मुझे काम करने दे। तुम्हारी सजा के आज 6 महीने पूरे हो चुके, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें हर हफ्ते अपने एरिया के पुलिस स्टेशन पर जाकर हाजिरी देनी होगी। तुम्हारी ये रिकॉर्ड की फाइल वहां भेज दी जाएगी। और हाँ, ये रहा तुम्हारा बाजा,
और ये बटुआ। एक्चुअली आपके स्वागत के लिए बैंड का बंदोबस्त करने गई है। क्या है कि इतने दिनों के बाद आप लौट रहे हैं तो बैंड वाला तो बजना ही चाहिए। मुल्क की आजादी के लिए ना सही, आखिर जेल तो गए हो। हम सबके लिए ये क्या काम खुशी की बात है। मैं भी सोचता हूँ कि आपको आना जरूर चाहिए था, बड़ी गलती कर दी। खैर, अगले टाइम जब किसी लफड़े में जेल जाकर लौटोगे ना तो मैं माँ को लेकर जरूर आऊंगा। इस बार हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। शर्म नहीं आई पूछते हुए? मानी आई। अरे बाबा माफ कर देना, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। देख मुझे, अब हमारे हालात अच्छे हो गए, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, अब ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती। मेरे ऑफिस का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ, तू सीधा घर जाना, माँ इंतजार कर रही है। साफ बियर। ठंडी है? अबे साले ऐसे ठंडी बोलते? बस साफ, इतनी ठंडी है। अच्छा चल डाल जल्दी से। बेवकूफ उल्लू के पट्टे, सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। चल चल। बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं डाल देता हूं बाकी की बियर। और उसके चमचों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर, मेरे खिलाफ झूठी गवाही देकर मुझे 6 महीने के लिए जेल भिजवाया था। मैं वापस आ गया हूं, अब मैं तुम लोगों को 6 महीने के लिए अस्पताल भेजूंगा। दिल तो इस वक्त भी चाह रहा है कि तेरा थोबड़ा डिसमेंटल कर दूं, और एक दिन और इंतजार करूंगा, क्योंकि आज मेरा इंतजार और कर रहा है। कल 11 बजे। माँ, माँ दरवाजा खोल। माँ मुझे माँ, 6 महीने एक एक दिन गिना है तुझसे मिलने के लिए। बात मत कर मुझसे, मैं तुझसे नहीं बोलती। मुझे माफ कर दो माँ,
कितनी बार तू माफी मांगेगा और कितनी बार मैं माफ करूंगी? जितनी बार मैं गलती करूंगा। थोड़ा सा हलवा लेना, तुझे तो बहुत पसंद है ना? माँ, दो प्लेट तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, तीसरी प्लेट भी भरी हुई है, तू मुझे इतना हलवा क्यों खिला रही है आज? मुझे तो इतना पसंद भी नहीं है। ओह समझा। ए भाई, थोड़ा हलवा ले ले। मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए? ओ, तेरा मतलब है इसे नहीं चाहिए? मैं उससे नहीं बोल रही हूँ, तू उससे बोल रही हूँ। मैं उससे नहीं बोल रही हूँ, तुझसे बोल रही हूँ। ओह आई एम सॉरी, आई मीन मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये 15 मिनट से आप दोनों ने मुझे इंटरप्रेटर बनाकर मेरे डिनर में एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि आप दोनों मुझे बीच में से निकालकर आपस में ही बातचीत करें। नहीं क्या है कि उससे मेरी जिंदगी का कंफ्यूजन कुछ कम हो जाएगा। मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, बोल दे उससे। मैं उससे बात करना नहीं चाहती, बोल दे उससे। आई मीन आई एम सॉरी, मेरा मतलब है माँ तुझसे बात करना नहीं चाहती, बोल दे उससे। आई मीन भाई समझ गया ना बात को? ये क्या लगा रखा है माँ? उसको अपनी गलती की पूरी सजा मिल चुकी है। उसे तो अपनी गलतियों की सजा मिलती है, मुझे किस बात की सजा मिलती है? इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ और उसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, वो भी तो तुझसे बहुत प्यार करता है और ये भी अच्छी तरह जानती है कि उसने जुर्म की तरफ पहला कदम सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि वो तेरी तकलीफ तेरा दुख नहीं देख सका। मेरी तकलीफ मेरे दुख, इसका सिर्फ एक ही हल है कि वो चोरी करे, मारा पीट करे, जेल जाए। तू भी तो मेरा बेटा है, तूने ये सब क्यों नहीं किया? इस फाइल से मैं सिर्फ ये जान सका हूं कि अब तक तुमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रिफॉर्म होम में या जेल में या हवालात में काट दी। सुनो, जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन सिर्फ आजादी के साथ जिंदा रहने में मैं जा सकता हूँ। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे 10 बरस हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी मुजरिम को अच्छी राय देने का जी चाह, जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो ठीक रास्ते पे आ सकता है। आज तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं जा सकता हूं। जाओ। लेकिन क्या मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें फिर यहां आना पड़े? काश मैं तुमसे ये वादा कर सकता। अबे, तूने ठीक से सुना था क्या बोल के गया था? 11 बजे भूल गया था उस्ताद। लगता है मरने का ज्यादा शौक नहीं है उसे, वरना टाइम पे आ जाता। हाँ, कहाँ जा रहा है? ठीक है, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। ये रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि तू मुझे एक ही बार खत्म कर दे। तू क्या सोच रहा है कि मैं जी रही हूं? मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तेरे बापू हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। फिर उस दिन जब कोर्ट ने तुझे मुझसे अलग कर दिया, फिर हर बार थोड़ी थोड़ी मरते रहे जब जब तू जेल जाता रहा। अब मैं थक गई हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। Thank you.
देख लीजिए, एक बात सुन ले, आज अगर तू इस घर से निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं मिलूंगी। मुझे आखिरी बार माफ कर दे, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुझे कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं यहां लड़ने नहीं समझौता करने आया हूं। मैं सब कुछ भूल गया हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी भूल जाओ। आज कुछ और ही ड्रामा कर रहा है उस्ताद। आदमी को बदलते टेम नहीं लगता, हो सकता है एक दिन में बदल भी गया हो। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसी खुशी के मौके पे हो जाए एक पार्टी है? अरे ये तो सचमुच बदल गया। तू भी जरा इसका इम्तिहान ले, देख जरा बदला है कि नहीं, देख देख। हाँ हाँ यार, ये तो सचमुच बदल गया, ये तो एकदम अहिंसावादी हो गया। हेलो पुलिस स्टेशन, बटन टाक दिए मैंने, रख दे उधर। जाइए मैं भाजी काट दूं। नहीं रे, मुझे भी तो कुछ काम करने दे, सारा काम तो तू ही कर लेती है। क्या करती हूँ, जरा सा आपका हाथ ही तो बटाती हूँ। बाबा के ऑफिस जाने के बाद मेरा भी तो दिल नहीं लगता घर में, बस वही वक्त कट जाता है। जाके देख तू, शायद रवि आया है। ये मिस्टर विजय वर्मा का घर है क्या? जी जी हाँ। यहाँ उनका कोई घरवाला है जिसे? कौन है बेटी? माँ जी आपसे कोई मिलने आए हैं। क्या बात है? आप विजय की? जी हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। इस बार कौन सा जुर्म किया है, किससे लड़ाई की है उसने? घबराइए नहीं, बता दीजिए। ऐसे खबरों की तो मुझे आदत से पड़ चुकी है। माँ जी आपके बेटे को कुछ बदमाशों ने मिलकर बहुत मारा है, उसे बहुत चोट आई है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैं जानती थी वो बाज नहीं आएगा, फिर से लड़ाई करेगा। नहीं नहीं माँ जी, इस बार उसका कोई कसूर नहीं था। ये बात मुझे उन लोगों से पता चली जो वहां मौजूद थे।
इस बार तो उसने अपने बचाव के लिए भी हाथ नहीं उठाए, शायद इसलिए उसे ज्यादा चोट आई। ग्लूकोज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जारी रखना, पल्स और टेम्परेचर एक एक घंटे के बाद लेती रहना। यस सर। मैं चलता हूँ, कोई खास बात हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। श्योर सर। डॉक्टर, मेरा नाम रवि, मैं विजय का भाई हूँ। मैं जानना चाहता हूँ विजय की हालत। विजय की कंडीशन ठीक नहीं है, काफी सीरियस है, चोटें बहुत ज्यादा पहुंची हैं। परेशानी की बात तो यह है कि 6-7 घंटे हो गए पर अभी तक उसे होश नहीं आया। डर और डाउट इस बात का है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमा में ना चला गया हो। एक दो दिन और देखते हैं। We have tried our best. Thank you. क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल अच्छा है सर, की कोई बात नहीं, बस 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भी डॉक्टर से कहा कि मेरे भाई ने मेरी माँ से बहुत मार खाई है, छोटी मोटी मार से उसे कुछ होने वाला नहीं। बेटे, वकील बन गया है, लीडर बनना चाहता है, लेकिन अच्छी तरह से झूठ भी नहीं बोल सकता। सच सच बता, कैसा है विजय? माँ, विजय की हालत सीरियस है। क्या बात है रीटा, मैंने आज तक तुम्हें इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। कोई खास बात है? मेरा मतलब ये कोई खास पेशेंट है? यस सर। नो सर, आई मीन मेरा मतलब है ऐसे कोई बात नहीं है सर। माँ, माँ विजय को होश आ गया, माँ अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं। चलो माँ। तुझे छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। कल जब आऊंगी ना, हलवा लेकर आऊंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलूं? अच्छा बेटा, अब मैं चलूं? माँ, एक बात कान खोलकर मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम यहाँ ठहरना चाहती हो या यहाँ से चलना चाहती हो। इसलिए कि पिछले आधे घंटे से मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं खड़ा रहूं या बैठ जाऊं। इसकी वजह से मेरी टांगों में एक अजीब सा दर्द और दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। चुप दे, बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, बहुत बोलता है। अच्छा चलती हूँ। अब चलो भी माँ। हेलो माँ जी। बेटी, तुमने मेरे विजय का बहुत ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा ये एहसान। ये आप क्या बात कर रही है माँ जी, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं बेटी, तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा अच्छा हुआ। माँ, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बैठकर इस प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ किया है कि नहीं। How are you? Hello. नमस्ते माँ जी। नमस्ते, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने मेरे बेटे विजय के लिए जो कुछ। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की। नहीं बेटे, आजकल के जमाने में कौन किसके लिए। भाई साहब, आप प्लीज मेरी खातिर मान लीजिए कि आपने बहुत कुछ किया है, नहीं तो इस बात पर एक अच्छी खासी बहस शुरू हो जाएगी और इस चक्कर में मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। चुप, फिर बोला। माँ, अब तुम्हें विजय की फिक्र बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर आदमी की ड्यूटी लगा दी है,
कि वो विजय की देखभाल करे। अब चलें। नमस्ते। Now you must be really missing home. Anyway, डॉक्टर ने कहा कि कल तुम घर जा सकते हो। बेटा, कल यहां से जाने के बाद अगर मैं तुमसे मिलना चाहूं तो तुम मिलोगी मुझसे? श्योर, why not? तुमने मेरे किसी भी सवाल का ठीक और सही जवाब नहीं दिया। शायद मेरे सवाल पूछने का तरीका ही गलत है। इंस्पेक्टर कुलकर्णी तुमसे ये सारे सवाल बहुत अच्छी तरह पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर कुलकर्णी तुम जैसे लोगों को कानून का नहीं अपना जाति दुश्मन मानते हैं। He's all yours, Mr. Kulkarni. Cheers. आप गुड़ लेंगे मुरलीधर जी? जी नहीं, शुक्रिया। मुरलीधर जी, आपको कोई भी ऐसा शौक नहीं जिसमें पैसे खर्च हो, फिर भी आपको पैसे कमाने का शौक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। शायद मेरी अपनी पुरानी गरीबी के साथ इंतकाम लेने का यही एक तरीका है। आई मीन वेंडेटा अगेंस्ट माय पास पॉवर्टी। वाह वाह मुरलीधर जी, वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। Vendetta against my past poverty. वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। Cheers. Cheers. सुबह में नाश्ते के साथ एक गिलास ऑरेंज जूस, दोपहर में खाने के साथ दो लार्ज जीन और रात के खाने के साथ तीन चार विस्की, इसके बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं। नारंग साहब, लगता है आपकी मुझे जेल से छुड़वाने की सारी कोशिशें काफी नहीं हैं। शायद ज्यादा कामकाज की वजह से आप मुझे भूल गए, मगर यह तो याद होगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ वर्मा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। अभी तक मेरी जबान बंद है, जिस दिन खुल गई उस दिन मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जेल में नाश्ते के साथ ऑरेंज जूस, दोपहर के खाने के साथ जिन और रात के खाने के साथ बिस्किट नहीं है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।